नमस्कार दोस्तों, आप सभी के कैसे चलो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रू कॉलर से अपना अकाउंट और मोबाइल नंबर परमानेंटली कैसे डिलीट करें। जैसे आप लोग ट्रू कॉलर अप्लीकेशन मोबाइल से डिलीट कर देते हैं और अप्लीकेशन से आप अपना मोबाइल नंबर भी डिलीट कर देते हैं, फिर भी आपका डाटा इसमें सेव रहता है। आप किसी के पास कॉल करते हैं, वह ट्रू कॉलर यूज करता है, तो जिस भी नाम से आपका प्रोफाइल अकाउंट रहता है वही नेम और लोकेशन उसके पास शो करता है। जो मैं ट्रिक आपको बताऊँगा इसे फॉलो करेंगे तो ट्रू कॉलर से सभी जगह से आपका नाम और मोबाइल नंबर डिलीट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए ट्रू कॉलर एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, फिर यहाँ ट्रू कॉलर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। फिर देखिए ट्रू कॉलर, देखिए एप्लीकेशन ओपन हो गई है और यहाँ भी देखिए ऑप्शन शो करा ट्रू कॉलर सर्च, और देखिए साइड में शो करा ऊपर देखिए थ्री लाइन शो करा, यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए मेरा नाम शो करा, देखिए मेरा मोबाइल नंबर शो करा, और देखिए एडिट प्रोफाइल देखिए सभी ऑप्शन शो कर रहे हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन शो करा सेटिंग्स, तो यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन, देखिए सेटिंग्स, जनरल, साउंड्स, ऐप लैंग्वेज, कॉलर आईडी, मैसेजिंग, ब्लॉग, अपीयरेंस, बैकअप, कॉल रिकॉर्डिंग, प्राइवेसी सेंटर, स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं और यहाँ देखिए ऑप्शन शो करा देखिए अबाउट, तो स्क्रॉल करके ऊपर ही आते हैं और यहाँ ऊपर देखिए ऑप्शन शो करा प्राइवेसी सेंटर, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए ऐसा पेज ओपन, देखिए प्राइवेसी सेंटर, अवेलेबिलिटी, और देखिए सभी ऑप्शन शो कर रहे हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन शो कर रहा है डीएक्टिवेट, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ देखिए डीएक्टिवेट, फिर यहाँ देखिए यस पे क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ देखिए वंस योर डीएक्टिवेट यू विल नॉट टू बेबल कंट्रोल योर नेम ऑन ट्रू कॉलर, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डीएक्टिवेट, यहाँ यस पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। फिर यहाँ से देखिए अकाउंट डीएक्टिवेट हो गए। चलिए यहाँ से बैक आते हैं, चलिए कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। फिर देखिए ब्राउजर ओपन हो गए, यहाँ ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे www.truecaller.com/unlisting। फिर यहाँ देखिए सर्च पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। फिर देखिए ऐसा पेज ओपन हुआ, देखिए अनलिस्ट फ़ोन नंबर, और स्क्रॉल करके नीचे आते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन शो कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन लिखे हुए हैं कि पहले आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन पे जाके पहले इसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा दोस्तों। मैं पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया हूँ। फिर यहाँ देखिए नीचे जो ऑप्शन है फ़ोन नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ 6309763717। देखिए और फिर यहाँ देखिए आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ देखिए अनलिस्ट फ़ोन नंबर पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। फिर देखिए मोबाइल नंबर देखिए डिलीट नहीं हो रहा, पहले हमें मोबाइल नंबर के पहले देखिए हमें यहाँ पे अपना कंट्री कोड लगाना होगा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ देखिए +91, फिर यहाँ देखिए आई एम नॉट ए रोबोट, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ देखिए अनलिस्ट फ़ोन नंबर, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर ऐसा पेज ओपन, यहाँ देखिए अनलिस्ट फ़ोन नंबर, फिर यहाँ देखिए अनलिस्ट पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। फिर देखिए मेरा मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर से देखिए डीएक्टिवेट हो गया है दोस्तों। इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं दोस्तों। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए दोस्तों। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।